नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आपका स्वागत करता हूं आरडी प्रोडक्शन में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं नए नए वीडियोस आजकल रोज ला रहा हूं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम सीखेंगे कि यूट्यूब चैनल मैनेजर ऑपरेट कैसे करें, वो भी विदाउट एनी एप्लीकेशंस। तो इसके लिए आपको सिर्फ कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यूसी ब्राउज़र से हम अपना चैनल ऑपरेट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले मैं जाऊंगा यूसी ब्राउज़र में। यह आपको सामने ही यूसी ब्राउज़र का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, या यूसी ब्राउज़र ओपन हो रहा है। ये देखिए यूसी ब्राउज़र ओपन हो रहा है। अभी ये जो सर्च का ऑप्शन है, इधर हमें google.com पे जाना है। माफ़ कीजिए, हमें www.youtube.com पे जाना है। तो मैंने ऊपर टाइप कर दिया है youtube.com। तो जैसे ही मैं youtube.com टाइप करता हूँ, तो एक्चुअली मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो इसलिए मैं मेरे डायरेक्ट लॉगिन में आ गया हूँ। तो आपके केस में आपको youtube.com टाइप करने के बाद आपको आपका लॉगिन करना है। आपका लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आपको आपका मेन स्क्रीन आ जाएगा। देख सकते हैं ये मेरा यूट्यूब का फ्रंट पेज ओपन हो गया है इधर। अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में आप टाइटल डालें, डिस्क्रिप्शन डालें, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्टली आपको माय चैनल में जाना है। इधर आप देखेंगे कि ये जो आपको कॉर्नर में मेरा जो ये फ़ोटो का आइकॉन दिख रहा है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। फ़ोटो के आइकॉन के क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको सामने सामने दिखेगा क्रिएटर स्टूडियो, उसके ऊपर आप जाएंगे। क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद आपको सामने ही दिखेगा कि आपके कितने वीडियोस अपलोड है, और एक कॉर्नर में आपको दिखेगा कि वीडियो मैनेजर का ऑप्शन। तो वीडियो मैनेजर के आप ऊपर आप क्लिक करेंगे। अभी वीडियो मैनेजर में जाने के बाद अगर मुझे कोई भी मेरा वीडियो जो है एडिट करना है, तो इधर आपको सामने दिखेगा कि एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। एडिट के ऊपर मैंने क्लिक किया अभी। यहाँ मैंने टाइटल डाला हुआ है कि मोबाइल से रैप कैसे करें, हाउ टू मेक रैप सॉन्ग। डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है इधर मैंने, और नीचे आप देखेंगे कि टैग्स डाले हुए हैं कि मोबाइल से रैप सॉन्ग बनाना, रैप सॉन्ग कैसे बनाए, रैप कैसे करें, गाने में म्यूजिक डाले कैसे, सिंपल वॉइस से रैप कैसे बनाए, हाउ टू मेक रैप, ऐसे मैंने टैग्स डाले हुए हैं। इसकी भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप यूट्यूब एक नई यूट्यूबर हो, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे टैग्स डालते हैं। आपका जो टाइटल जो होता है, वो आपको एटलीस्ट 100 वर्ड्स में बनाना होता है। डिस्क्रिप्शन जो होता है, वो अनलिमिटेड होता है, और आप उस पर जो चाहिए लिख सकते हैं आपके वीडियो के बारे में। और जो आपका टैग्स होते हैं, वीडियो के टैग्स होते हैं, उसका एक लिमिट रहता है कि एटलीस्ट 500 वर्ड्स होने चाहिए। तो समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए अभी मैं समझ लीजिए मेरा एक रैप का गाने का एक वीडियो बनाया मैंने, तो मैं इसमें अभी एक समझ लीजिए टैग टैग ऐड कर देता हूँ इधर, हिंदी वीडियो। हिंदी वीडियो ऐसा ही लिखा है मैंने, और इसके एंडिंग में मैं कोमा डाल देता हूँ, तो उसका डिवाइड हो जाता है, वो एक टैग्स बन जाता है। अभी हिंदी वीडियो लिखने के बाद मैं हिंदी वीडियो फॉर यूट्यूबर्स, और यूट्यूबर्स, ठीक है, और कॉमा, एंडिंग में कॉमा डाल दिया मैंने, तो ये एक टैग बन गया। तो आपको इसी टाइप से टैग्स बनाने हैं और आपके वीडियो में डालने हैं। अभी बात आती है थंबनेल की, तो आप यहाँ से थंबनेल भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने मेरे जो थंबनेल का ऑप्शन है, उधर मैंने क्लिक किया है अभी, तो डायरेक्टली मुझे ऑप्शन दिखा रहा है कि गैलरी से सिलेक्ट वे टू अपलोड। गैलरी से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, कैमरा से डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ, फाइल मैनेजर से भी कर सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैंने ये थंबनेल डाला हुआ है, तो इसके लिए मैं अभी सिलेक्ट नहीं करता, ये थंबनेल है वही मैं रखूँगा। अभी आपको एडवांस सेटिंग में जाना है,
और इधर आपको आपको बहुत सारे ये फंक्शंस दिखेंगे कि अभी चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ नहीं है, इसके लिए आपको फंक्शंस नहीं दिख। अगर आप ये मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, इसके लिए आपको बहुत सारे फंक्शंस नहीं दिख रहे, लेकिन आपको इधर दिखेगा कि आपका जो म्यूज़िक होता है वो आप इनेबल कर सकते हैं, मतलब उसके कॉपीराइट्स जो होते हैं वो आपके पास ही रहेंगे और कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता है। अगर आपको एज रिस्ट्रिक्शन, आपका वीडियो कुछ अलग है, आपको एज रिस्ट्रिक्शन लगाना है उसमें, तो इनेबल एज रिस्ट्रिक्शन वैसे भी कर सकते हैं। इधर देखेंगे एंडिंग में ऑप्शन दिख रहा है ये इनेबल रिस्ट्रिक्शंस का। इसके अलावा एडवांस सेटिंग में थोड़ा सा इधर जाते हैं तो वीडियो लोकेशन में ये पूछ रहा है, तो वीडियो लोकेशन में मैं समझ लीजिए मैंने इंडिया डाल दिया इधर, ठीक है, INDIA, इंडिया डाल के मुझे इंटर करना है, तो ऑटोमेटिक वो इंडिया को लोकेट करेगा। इधर देखेंगे हम, इंडिया लोकेट हो गया, ठीक है, तो इधर ही इंडिया लोकेट हो गया है। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको देखिए इंडिया लोकेशन डिटेक्ट होने के बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्शन करना है कि अगर आप चाहते हैं तो हिंदी, अभी हिंदी मतलब इंडियन इंडिया की लैंग्वेज है हिंदी, तो आपको हिंदी टाइप करना है। और इसके बाद हिंदी फोनेटिक का ऑप्शन आ रहा है, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा सिलेक्ट करते हैं, तो मैंने सिर्फ हिंदी सिलेक्ट कर लिया है। अभी रिकॉर्डिंग टिकट का भी ऑप्शन है, तो वो आप चाहिए तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको रिकॉर्डिंग डेट डालना है कि नहीं डालना है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन है कि ऑल ऑफ योर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट ट्रांसलेटेड टाइटल टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड सब टाइटल्स, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि यूट्यूब आपके जो व्यूअर्स हैं उनको कितना अलाउ करना है या नहीं करना है। ओके, और ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो फिलहाल मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। दोस्तों ये वीडियो का टैग्स और टाइटल जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसमें आपको बहुत जो मेन चीज़ें होती है वही लिखनी होती है, कुछ भी लिख के नहीं चलता। आपका जो सर्च वालों में आपको गूगल से चेक करना है कि कौन से वीडियो का टाइटल कैसा होना चाहिए, और उसके बाद आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो भी वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए और टैग्स भी वीडियो से रिलेटेड होने चाहिए। अगर आप कंप्यूटर से ऑपरेट करते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वीडाइक्यू एक सॉफ्टवेयर है वो आपके मोबाइल में डाल ले, उससे आपको डायरेक्टली जो पॉपुलर टैग्स है उसका रैंकिंग पता चलता है कि कौन सा टैग कितने परसेंटेज पे जा रहा है, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है और उसका कॉम्पिटिशन कितना हो रहा है। मैं आपको इतना ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऑलरेडी मैं एक्चुअली 2 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है इस वीडियो के टैग्स वगैरह बनाने में, इसके लिए मैं आपको इतना डिटेल में बता सकता हूँ। दोस्तों इसमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक ही वीडियो में ये इतना सब नहीं हो सकता, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो डिटेल में बनाऊंगा कि टाइटल कैसे बनते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसा बनता है, टैग्स कैसे बनते हैं, हर एक के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपके दोस्तों को भी बोलिए कि शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।